राधा माधव कुंज विहार राधा माधवा कुंद गोपी जनवलभा गिरिवर धारे गोपी जनवलभा गिरिवरदारे

आल्गोरि साल्गोरि साल्गुरिटु श्रीगुरु अण्ड् श्री श्री गुरु Meditam Yena Tasmai चक्षुः Gurave येन तस्मै Chaitanya नमः Vishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् कृष्णपादान् सह गणलललललललललललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने क्रिष्ना गौरद्विषे नमः हे <coughs> कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्तनमोऽस्तु ते दफ्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिवांछाक्य कृपा सिंधुभ्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री, श्री गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवा या ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोपक कुमाराय गो नमः ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागत है हाँ भागवत के पहले स्क्रंथ के पांचवें अध्याय के उन उनतीसवां श्लोक पढ़ रहे हैं ट्वेंटी नाइन्थ वर्ष ुरक्तस्य प्रश्रितस्य ह तेन सह श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्यैवं मेनुरक्तस्य

प्रश्रितस्य श्रदधानस्य तैनसह श्रद् दान्तस्यामनुचरस्य च कस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य ह सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य ह तेन सह श्रद्धानस्य बालस्य

उनसे आसक्त प्रश्रित आज्ञाकारी का हत मुक्त ये न पापों से श्रद्धान से श्रद्धावान बाल से बालक का दात संयमी का अनुचर उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का ता तात्पर्य और अनुवाद कृष्ण मूर्ति शिल प्रपाद के द्वारा शिल प्रोपात की मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्तता उदासी पुत्र कह रहा है हाँ। बाद में जो नारद बना हाँ? वो वेद व्यास को नारद जी कह रहे हैं जब मैं दासी पुत्र था तब भक्ति वेदांत तो लोग चतुर्मास के समय आकर एक ब्राह्मण के गुरुकुल में ठहरे तो वो चार महीना मेरे लिए मंगलमय बना उनकी सेवा कर पाया उनसे श्रवण कर पाया उनके संग कर पाया और उसके द्वारा मेरे हृदय में भी भक्ति भावना अंकुरित हुई और उन मुनियों के साथ इनका संबंध क्या था वो बता रहे हैं श्लोक में मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था मेरा आचरण विनम्रता और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था तात्पर्य शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए ये लक्षण हैं उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है तो मैंने ये श्लोक चुना था क्योंकि जो भक्त इसी जन्म में धाम लौटना चाहते हैं वो लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएंगे हम लोग भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में कर सके आवागमन नहीं हो बार बार ऐसे अनेक लोग पूछते हैं इसका जवाब इधर बताया गया है हाँ जो दास पुत्र के अंदर पांच सद्गुण थे जिसके कारण वो तो भगवान को प्रसन्न किया और उनके अंदर इन, इन पांच गुणों को दृढ़ता के साथ पालन करने के कारण हाँ, तो उनको नारद का पद भी मिला उनको इसकान संस्था में हमें देखने को मिलेगा जो पाश्चात्य देश में है, जन्म लेकर दूसरे तरह के संस्कृति के बीच में जन्म लेकर भी जो लोग शिला प्रभुपात जी के शिष्य बने वो लोग उनके बहुत सुंदर माहौल के जो प्रदेश है जिधर उनका टेम्परेचर बहुत सब कुछ अच्छा है हाँ उधर ठंडी का मौसम ज़्यादा है उधर पाश्चात्य देश में उसको छोड़कर भारत जैसे गर्मी के देश देश में आकर पूरा जीवन बिता रहे हैं जैसे हमारे बसुघोष प्रभु और बाकी अनेक पार्षद देश के भक्त भी हमारे भारत जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में है लेकिन वो लोग इसका परवाह ना करते हुए अपने देश के संस्कृति को छोड़कर पैंट शर्ट इत्यादि को छोड़कर धोती कुर्ता पहनकर मिनी स्कर्ट साड़ी पहनकर और शिकार कर तिलक पहनकर कर हा? बारह स्थानों में तिलक पहनकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए गीता भागवत का अध्ययन करते हुए एक दिन दो दिन नहीं आजीवन चालीस साल पचास साल साठ साल ये लोगों ने शरणागत होकर प्रभा जी के मिशन में योगदान दिया है जब ये मंदिर बड़ोड़ा में बदोदरा में जो इसका उद्घाटन हुआ उस समय हम लोगों को इनविटेशन आया था आईसीसी जैसे इंडियन कॉन्टिनेंटल कमिटी के सब अध्यक्षों को स्वागत किया गया था उसमें तो मुझे भी याद है कैसे श्रीमान बसुघ प्रभु नित प्रभु ये लोगों ने ये सुंदर भव्य मंदिर को उस समय डेवलप किया उसके आगे से ये मंदिर में हज़ारों लाखों लोग आकर लाभान्वित हुए हैं और प्रचार प्रसार काम हुआ है और आगे जाकर श्रीमान वंशीधारी प्रभु को तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी ने उनके टीम के साथ इधर भेजा बहुत भगवान का सुंदर भव्य आयोजन है क्योंकि वंशीधारी प्रभु खुद भी नेक प्रामाणिक गंभीरता से अभ्यास करने वाले एक भक्त हैं दृढ़ श्रद्धा के साथ भक्ति करते आए हैं उज्जैन में तो उनके एन भोपाल उधर जब पड़ते थे उनके साथ और दो मित्र थे ये तीनों लोग परम पूज्य बक, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को पहली बार देखा उसी दिन इन्होंने निर्णय ले लिया कि हम पूरा शरणागत हो जाएंगे पिछले का ड्राई ग्रास प्रपंच बोलते हैं एक सूखा घास होता है उसमें एक चिंगारी लगा हुआ आग का ऐसे पकड़ लेता है तुरंत नहीं है? तो कभी कभी गीला अगर काष्ठ हो उसमें चिंगारी डालने से धुआं निकलता तो ये गंभीर भक्त थे कॉलेज के दिनों में से और पकड़ लिया तुरंत और परम पूजी भक्तिचार स्वामी का शरण लिया उनसे दीक्षा ली दीक्षा के बाद उधर भी अभ्यास करते आए हैं और उसके बाद इधर उनकी टीम के साथ इधर भेजा गया अगर किसी व्यक्ति को दूसरे मंदिर में भेजा जाता है अपनी टीम के साथ अनेक बार आ, कुछ लोग भाग जाते हैं वापस अपने पेरेंट पेरेंटल टेंपल जिधर से आए उधर ही चले जाते हैं कुछ लोग है? क्योंकि उनको अपने गुरु के मंदिर में अपने सहपाठी अपने जो बाकी ब्रह्मचर्य होते हैं उनके साथ मिलजुलता है वो बोलते हैं हमको दूसरे मंदिर में नहीं जमेगा ऐसा नहीं बोले इधर ठहर कर खुद को ही खुद की भक्ति को भी किया अनेक लोगों को भी जोड़ा प्रपात की किताबों को पढ़ने में और दूसरों को पढ़ाने में ऐसे आज वमशिद्र का बर्थडे भी है आज पता नहीं कितने लोगों को मालूम है तो इस तरह प्रपा के शिष्यों के बारे में मैं बता रहा था इसी तरह प्रपा जी के पोते आध्यात्मिक पोते जो हैं ग्रैंड डिजेपल्स वो भी जो नेकता से प्रामाणिकता से गंभीरता से लगन के साथ जो दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं उन लोगों उन लोगों से अनेक लोगों को लाभ प्राप्त होता है अध्यात्म जीवन में तो इधर वही बताया जा रहा है इधर पांच गुण बता रहे हैं मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था तस् एवं मैं भागवत के अंदर ही एक उदाहरण है कि इस दुनिया में एक इंसान को पहचान लेना चाहिए ऐसे एक वैष्णव को जो प्रामाणिक गुरु है जो हमको दिशा दिखा सकता है भगवान की ओर हमें हाथ पकड़कर हमें आगे लेके जा सकता है धाम तक पहुंचा सकता है हमको प्रेरणा दे सकता है और हमारे हृदय में दो चीज है दी क्षा दी का मतलब दिव्य ज्ञानम यथोद्या मतलब कुरियात पाप से संक्षयम दो शब्द है उसमें दी क्षा दी का मतलब दिव्य ज्ञान देकर जैसे टार्च लाइट लगाकर आगे जो अंधेरा है उसमें टार्च लाइट लगाकर दिखा रहा है कि चलो आगे अभी राइट लो अभी लेफ्ट लो वो दिखाता है वो। इस तरह दिव्य ज्ञान की दीप को जलाता है हमारे हृदय में जैसे भगवद गीता में भी भागवत में भी ये दीप का उदाहरण दिया है ज्ञान दीपे न भास्वता कृष्ण बोलते हैं भागवत में भी जान भावल श्रुति सारमे अध्यात्म दीपम अतिर शता संसारी करण पुराण कुम तम व्यासोन उपयामी गुरु दूसरे लाइन में बताया गया है अध्यात्म दीपम ये भागवत क्या है अध्यात्म दीप है तो दीप जलाकर हमको सड़क दिखाने वाले गुरु होते हैं भागवत को एक फल के मीठा रस के साथ भी तुलना किया है इसका मतलब है गुरु हमें ऊंचा रस का आस्वादन भी देता है भगवान और भक्त उनके बीच में जो प्रेममय संबंध है उसका ऊंचा रस का आस्वादन भी देते हैं इसलिए निगम अकल पतरोलितम फल शुकमु अमृत ध्रवसम युतम ऐसे बताया गया तो ये भागवत जो है ये वेदों के निगम पेड़ जो है ऐसे उसमें उपनिषद जो है कच्चा आम है भागवत जो है पक्का आम है आपको क्या पसंद आता है पक्का कच्चा हक्का वो तो भागवत है तो भागवत का रस को पिलाने वाले होते हैं गुरु भागवत के द्वारा भक्तों को भगवान की ओर खींचते हैं ऊपर इसी तरह अध्यात्म दीप को जलाकर उनको मार्गदर्शन देते हैं दिव्य ज्ञान और क्ष का मतलब कुरियत वापस से संक्षायम तो इस तरह हमारे सब पापों को नष्ट करा देते हैं मिटा देते हैं कैसे कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक गुरु से दीक्षा ले लो एक केला हम आग में डालते हैं बस हमारे पाप सब मिट गया अभी कुछ भी हम पाप करेंगे गुरु देख लेंगे नो प्रॉब्लम ऐसे लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक शिष्य और गुरु के बीच में जैसे इनिशिएशन का दीक्षा का मतलब है जैसे कॉलेज में ज्वाइन करते हो भर्ती होते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पहले साल अब भर्ती होगी तो डिग्री मिल जाएगा क्या भर्ती होने के बाद चार साल पढ़ना होता है पचास पेपर लिखना होता है उसके बाद हमको डिग्री मिलता है इस तरह गुरु के पास जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु एक हमको एक पुष देते हैं पुष का मतलब है जो जीव आलसी होकर इस दुनिया में आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो लेकिन भाग्यवश कहीं मंदिर में आया एक गुरु को देखा प्रेरणा मिल गई उसको अचानक भक्ति में जुड़ गया वो हा। अगर वो गुरु दीक्षा देते हैं तो उसको थोड़ा पुष्ट देकर आगे चलने के लिए प्रेरणा देते हैं जैसे एक नारियल का पेड़ होता है ऊपर नारियल होते हैं अगर उसको लाना हो नीचे आपको ऊपर चढ़ना होता है लेकिन चढ़ते समय कैसे चढ़ते हैं आपको मालूम है तो दोनों पाँव में एक रस्सी को बांधते हैं ऐसे बांध कर तो एक व्यक्ति नीचे से उसको पीछे धक्का देता है ऐसे है और थोड़ा ऊपर चढ़ता और थोड़ा धक्का देता है ऊपर चढ़ता उसके बाद उसको ही खुद ही चढ़ना पड़ता है ऐसे 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 किसी ने चढ़ा है किसी को अनुभव है इधर गांव में कोई है इधर हाँ एक दो लोग हैं ठीक है, है तो गांव में हम लोग करते थे ऐसे तो पाँव में रस्सी बांध लो एक व्यक्ति धक्का थोड़ा देता है उसके बाद हमको ऊपर जाना है क्या वो पीछे पीछे धक्का देकर ऊपर तक आएगा क्या वो ऐसा नहीं है धक्का देकर उसके बाद हमको ऊपर चढ़ना है हमारा भी कर्तव्य है हाँ इसी तरह है, जैसे प्राइमिंग बोलते हैं पानी का अगर एक पाइप में कभी कभी आप ऑन कर दो मोटर आवाज आता है लेकिन पानी ऊपर उठता नहीं देखा आपने कभी अगर पानी पानी को उठाना हो तो क्या करना होता है एक मग में पानी लेकर अंदर डालो एक गैप होता है हा? तो पानी नीचे होता है तो एक हवा का गैप होता है उस हवा का गैप को खत्म करने के लिए हम पानी थोड़ा डालते हैं एक मग डाल दो तो नीचे का पानी ऊपर का पानी दोनों के बीच में कनेक्शन आ जाता है तो तुरंत घुक ऐसे पानी आ जाता है उसके बाद डट डटा डटा पानी आएगा कंटिन्यूसली आता रहेगा इसी तरह आप देखेंगे कुछ कुछ लोग साधारण कॉलेज लड़का कॉलेज लड़की बच्चे ऐसे घूमते थे गांवते थे अचानक अभी दीक्षा लेकर आज आप देख रहे हो वो एकदम पूर्ण रूपेण समर्पित तिलक पहनकर कंटीमाला पहनकर भगवान के सामने नाच रहे हैं गा रहे हैं शास्त्र पढ़ रहे हैं सुना रहे हैं इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आप देखेंगे तो शुरुआत में गुरु प्राइमिंग करते हैं गुरु अपने भक्ति तो अंदर छोड़ते हैं शिष्य के हृदय में जैसे पानी को डालने के बराबर है तो हमारे और भगवान के बीच में एक अहंकार का गैप है जी भगवान से बहिर्मुख होकर इस दुनिया में भटक रहा है भगवान को भूल कर तो वो बुलक्कड़ होना अहंकार के वश में आना वो ही बीच में थोड़ा गैप है उस गैप को गुरु भर देते हैं तो गुरु के ऊपर श्रद्धा पहले होता है उसके बाद कृष्ण के ऊपर दृढ़ श्रद्धा जा, जाग जागृत होता है तो इस तरह अगर गुरु के ऊपर एक आसक्त हो गया किसी को मेरे गुरु ने बोला है करने के लिए सेवा इसलिए मैं करूँगा मेरे गुरु को खुश करने के लिए सेवा करूँगी करूँगा ऐसे सोचना चाहिए भक्तों को तो अभी देखिए प्रपाद जी का वैकुंठ गमन हुआ 1977 में अभी कितने साल बीत गए पचास साल हो गया लगभग तो उसके बाद भी उनके शिष्य अपने जीवन में नेकता के साथ माला कर रहे हैं चार नियम पालन कर रहे हैं और भक्तिमय जीवन कर रहे हैं है कि नहीं है उसका मतलब आप देख सकते हैं उनके वाणी को कितना गंभीरता से लोगों ने लिया है वो हमें देखना चाहिए हा? क्योंकि सही शिष्य हो गुरु और उनके वाणी में भिन्नता नहीं है अगर गुरु ने बोल दिया ये करो का मतलब करेगा वो मत करो बोला तो नहीं करेगा वो जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं माता पिता की बात मानते हैं जैसे मैं स्कूल में जाता था छोटा बच्चा था दूसरी कक्षा का है उधर एक मिठाई बेचते थे उसमें मक्खी बैठता था स्कूल के सामने मेरे सब मित्र जाकर खरीदते थे, थे मैं भी खरीदता था एक बार बुकर हो गया मुझे ने बोला वो मिठाई कभी नहीं खाने का हा? तुमको मिठाई चाहे तो मैं खरीद कर दूंगी दूसरा दुकान में जो बॉटल के अंदर है हा? लेकिन ये नहीं खाने का लेकिन मैं बोलता था कि सब लोग आते हैं मैं बोलता था वो चाहे नहीं वो कहेंगे तुमको नहीं कहने का बहुत सस्ता है वो बीस पैसा है आप दुकान में जाकर खरीदोगे तो वो दो रुपये का तीन रुपये का ये बीस पैसा का वो बोलती थी मैं पाँच रुपये भी खर्चा करूँगी लेकिन ये नहीं कहने का तुमको ऐसे से बोल दिया उन्होंने तो ये एक दिन मैं मित्रों के साथ स्कूल घंटी बजा बाहर निकला सब लोग उस दुकान की ओर गए मक्खी वाला मिठाई लेने के लिए मैं भी गया लेकिन उसको देखते ही किसका याद आया माँ का याद आ गया माँ ने बोला नहीं कर देने का सब मित्रों ने बोला अरे ये लो माँ की अगर देख रही है मैंने बोला है, नहीं 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 माँ को ना कुछ नहीं करना चाहिए माँ ने बोला है वो अगर बुकर हो जाएगा तो पहचान लेगी अच्छा नहीं है हम नहीं करेंगे देखिए इस तरह अगर हम गुरु के बात को गंभीरता से लेते हैं पचास साल होने के बाद भी हम उन विधि विधानों को नहीं तोड़ेंगे हम है ना तो क्योंकि संबंध है स्पिरिचुअल मास्टर लिव्स इन हिज साउंड वाइब्रेशन एंड हिज फॉलोअर लिव्स विद हिम ऐसे प्रॉपर जी लिखते हैं गुरु उनके वाणी में वसन करते हैं और उनके शिष्य भी उनके साथ रहता है ऐसे बताया गया इसलिए उसके लिए आसक्ति की जरूरत है गुरु में गुरु में आसक्ति मतलब गुरु के वाणी में आसक्ति उनके आदेशों में आसक्ति जब होता है भागवत तो में एक श्लोक बताया बता गया है प्रसंगम मजरम पाशम आत्मनक्कवयो विदहु सयेव साधु श्रुतो मोक्षद्वारम पाव्रतम ये स््लोक में बताते हैं कपिल भगवान कपिल देवहूति पुत्र कपिल देखो इस दुनिया में आसक्ति जो है वो एक बहुत आ, मजबूत रस्सी के बराबर है कभी-कभी रस्सी इतना मजबूत होता है उसको आप काट नहीं सकते उसको जैसे पानी खींचने के लिए एक रस्सी होता है ना मोटा उसको हाथ से कोई काट सकता है उसको नहीं काट सकता कभी कभी चाकू से भी नहीं काट पाते हैं हम हैं बहुत मुश्किल है इसी तरह इस दुनिया में स्त्री पुरुष का आसक्ति नहीं तो अपने नाता संबंध का आसक्ति नहीं तो जड़ पदार्थ के ऊपर आ सकती हैं भले अनेक लोगों के अलग अलग, अलग आसक्तियाँ इस दुनिया में वो बताते हैं कि आसक्तियों से ऊपर उठना भी कठिन है इन आसक्तियों को काटना भी बहुत कठिन है देखिए इस दुनिया में दो तरह की आसक्ति हैं अगर आपका गुलाब जामुन के साथ आपका आ सकती है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको डायबिटीज हो गया छोड़ना पड़ेगा तो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं है फिर भी छोड़ना ही पड़ता है हा? छोड़े बिना आपका ब्याज बढ़ जाएगा मर जाएगा इंसान है कि नहीं तो लोग छोड़ते हैं कि नहीं लोग छोड़ते हैं लेकिन लोगों के साथ जो आ सकती है वो टू वे आ सकती है हा? जैसे अगर आपके पास एक क्लिप हो आपने क्लिप ऐसे क्लिप को एक क्लिप को दूसरे क्लिप रखा है ये क्लिप छूटना चाहता ये क्लिप नहीं छोड़ेगा और अभी ये क्लिप छूटना पड़ता यह नहीं छोड़ेगा समझा ना आपने इस तरह का संबंध है स्त्री पुरुष का संबंध माता पिता और बच्चों का संबंध ऐसे टू वे आसक्ति बताया गया है अभी गुलाब जामुन के साथ ऐसे नहीं है गुलाब जामुन का आसक्ति ऐसा है अगर आपका छूट गया तो छूट गया गुलाब जामुन पीछे नहीं भागने वाला आपके साथ है वो छोड़ देगा आपको अभी गुलाब जामुन हो टेलीविजन हो गाड़ी हो स्मार्टफोन हो ये आपके पीछे नहीं पड़ने वाला है अगर आपने छोड़ दिया तो आप निकल सकती हो लेकिन दूसरे जीवों के साथ जो आसक्ति है वो टू वी आ सकती है। कभी इनको छूटने की इच्छा होता है ये छोड़ता नहीं कभी इनके छूटने ये छोड़ता नहीं दोनों का आसक्ति है ऐसे हाँ लेकिन ऐसे दुनिया के बंधु बांधवों के साथ आसक्ति से भी ऊपर उठना हो एक व्यक्ति उठ सकता है कैसे सयेव साधु शु मोक्ष द्वारम अपावृतम ऐसे बताते हैं एक साधु महात्मा जिनको हम गुरु के रूप में स्वीकारते हैं उन उनके वाणी से हम प्रभावित तो होते हैं उनके वाणी को अपने जीवन में लागू करके हमने परम सिद्धि पाया है भक्ति पाया है हुँ? तब हम लोग उनके वाणी से आसक्त हो जाते हैं वो आसक्ति हमारे लिए मंगलमय है बहुत शुभ है हमारे लिए क्योंकि जैसे एक लोहे का एक एक रिंग मान लीजिए पानी में डालो डूब जाएगा वो इतना ही है वो रिंग ऐसे लेकिन एक लकड़ी इतना लंबा लकड़ी उसको डालो वो तैरेगा वो कैटे ना लेकिन वो लकड़ी के ऊपर इस रिंग को ऐसे डाल दो अंदर और पानी में डालो एक कुएँ में वो तैरेगा डूबेगा हाँ तैरेगा इसी तरह एक बद्ध जीव को लोहे के रिंग से तुलना किया है और मुक्त जीव को एक लकड़ी से तो गुरु होते हैं महान वैष्णव होते हैं वो लकड़ी जैसे हैं हम लोग जैसे लोहे के रिंग के बराबर अगर हम उनसे आसक्त हो जाएंगे उनके वाणी को पकड़ लेंगे तो हम भी ऊपर उठकर परमानंद का अनुभव कर सकते हैं सहय साधु शुक्र तो मोक्ष द्वारा अपावृतम ऐसे बताते हैं तो ये पहला गुण बता रहे हैं हम इससे तात्पर्य प्रभु जी बोलते हैं शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं ऐसे है व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए तो ये एक भक्त मिला अभी दो दिन पहले हमने मिला वो पूछ रहा था कि प्रभु जी मेरे उनके बीबी है उनके दो बच्चे हैं वो बोला कि प्रभु हम तो पहले भक्ति में बड़े गंभीर थे लेकिन अभी पता नहीं हम एकदम कमजोर हो गए अभी माला भी ठीक नहीं चल रहा है शास्त्र भी पढ़ नहीं रहे ठीक तरह से घर की जिम्मेदारी पूर्ति करते करते समय बीत जाता है तो हम भक्ति में बढ़ने का एक चीज़ बताइए जो हम गंभीरता से हम ले सकते हैं मैंने उनको बोला एक ही चीज़ बताऊंगा आपको ध्यान से सुन लो मैंने बोला एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज भक्तों के संग आपको नियमित रूप से रोज होने चाहिए तो प्रौपद जी एक कहानी बोलते हैं एक बार एक रा, राजा अकबर ने एक स्पर्धा की थी लोगों, लोगों को उन्होंने बोला कि ठंडी के मौसम में एकदम ठंडी पानी था तालाब में जो उस तालाब में अंदर घुस सकता है और रात भर रह सकता है इतने ठंडे पानी में तो एक योगी आया सामने बोला कि मैं कर सकता हूँ वो पूरा गर्दन तक पानी के अंदर रहा रात पूरा रात रहा कोई भी लोग उंगली भी नहीं डाल सकते थे उस ठंडी तालाब में है लेकिन वो रहा रात भर अगले दिन बाहर निकल कर आया राजा ने बोला था कि जो भी करता हो उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा उसको पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि अकबर ने बोला हा? देखो योगी मुझे लग रहा है कि लैम्प पोस्ट जो है ना ये सड़क में होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको लैम्प पोस्ट हाँ स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट होता है मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रीट लाइट से तुमको थोड़ा गर्मी मिल गया इसलिए तुम तो सहन कर पाए मुझे लग रहा है इस तो योगी को अच्छा नहीं लगा बीरबल को भी अच्छा नहीं लगा बीरबल ने सोचा कि राजा ने धोखा दे दिया उस योगी को तो दो दिन बाद बीरबल सभा में नहीं आए दस बज गया था आए नहीं थे हैं तो अकबर ने एक संदेश भेजा अरे बीरबल क्यों नहीं आया बीरबल ने रिटर्न नोटिस भेजा अकबर को मैं खिचड़ी पका रहा हूँ लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत देरी हो रहा है तो बारह बज गया फिर भी नहीं आया वो तो अकबर खुद ही पहुँच गया बीरबल के पास हैं बीरबल के घर के पीछे बगीचे में उसने क्या किया था दो बहुत ऐसे ही पोल दो लगाया था इतना ही हाइट का ऊपर हुक में एक बर्तन लगा दिया उसमें चावल मूंग दाल इत्यादि डालकर और नीचे आग जला रहा था नीचे ऐसे तो अकबर पहुंच गए बीरबल ने बोला बादशाह मैं आ नहीं पाया क्योंकि खिचड़ी अभी तक पक नहीं रहा है तो अकबर ने पूछा अरे तुम क्या मूर्ख नहीं मूर्ख हो तुम इतने दूर में रखोगे तो पकेगा कैसे वो बोल नहीं नहीं पक जाएगा बोला कैसे तुमको पता अगर योगी को पानी में उधर से गर्मी मिल रहा है तो इधर से गर्मी इसको क्यों नहीं मिलेगा ऐसे हाँ? पूछा था हाँ? अकबर को समझ में आ गया क्या बोल रहा है तो योगी को बुलाकर उन्होंने भेंट दे दिया उसको तो ये कहानी बोले प्रभुपा जी तो ये एक मंदिर में गए थे प्रभुपा जी भक्तों को पूछा एक भक्त एकदम कमजोर दिख रहा था बोला की प्रभा जी आजकल हमारा भक्ति टिक नहीं चल रहा है प्रभा ने पूछा कि क्या तुम मंदिर में आते हो किधर ठहरे हो बहुत दूर ठहराता हो तो प्रभा जी बोले दूर ठहरना इसके बराबर है नीचे है आग और ऊपर है और तुम दूर ठहरोगे बोला कि मैं फेस्टिवल के दिन आ जाता हूँ बाकी टाइम नहीं आ पाते हम तो प्रभा जी बोले कि ऐसे एक बार आने से चलेगा नहीं तुमको रोज आना पड़ेगा नियमित रूप से आना पड़ेगा संग रेगुलर रुग, लेना पड़ेगा बहुत जरूरत है उन दिनों में इस्कान मंदिर ही थे बाकी ज़्यादा हट नहीं थे भक्ति वृक्ष नहीं थे लेकिन आजकल के ज़माने में नब्बे प्रतिशत लोग इस मंदिर के बाहर रहते हैं फुल टाइम लोग दस प्रतिशत भी कम हैं इसलिए कोने कोने में भक्त वृक्ष ग्रुप्स हैं नामाहट ग्रुप हैं तो हम लोग भक्तों के समूह में जुड़कर हाँ भक्तों के परिवार का अपने आप को एक सदस्य मानना चाहिए हम हाँ। हमारा पहला आइडेंटिटी हमारा पहला व्यक्तिमत जो है ना वो होना चाहिए मैं कृष्ण का भक्त हूँ हम भक्तों के समूह में जो भक्त हैं उनके साथ हमारा प्रेम में संबंध है रोज हम शास्त्रों के संपर्क में आते हैं रोज हम जपमाला के संपर्क में आते हैं रोज हम तिलक पहनते हैं रोज भगवान को पूजा आराधना करते हैं तो इस तरह उस उस तरह करने से हम धीरे धीरे शुद्ध भक्तों की वाणी को पकड़ लेंगे हम इसलिए बताते हैं पहले शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं है हैं ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए देखिए सच्चे भक्त हैं छद्म भक्त हैं दो तरह के भक्त हैं जैसे एक व्यक्ति को दान तो मैं थोड़ा दर्द हो गया एक डॉक्टर के पास गया वो वो डॉक्टर अभी भी डेंटिस्ट का पढ़ाई पूरा किया था वो अभी ज़्यादा अनुभवी नहीं था वो है। तो वो सस्ता बोर्ड बोर्ड डाला था कि बाकी डेंटिस्ट जितना पैसा लेते हैं उसका आधा पैसा ही लूँगा मैं उसके लोभ में पढ़कर एक व्यक्ति उनके पास जाकर दांत दिखाया उस व्यक्ति ने दांत को तोड़ दिया है उसको रिपेयर करते करते इसके बाद ये व्यक्ति रोने लगा बोला कि इस दुनिया के सब डेंटिस्ट लोग बदमाश हैं है? कोई भी डेंटिस्ट ठीक नहीं है तो सही बात है क्या सही नहीं अगर एक डॉक्टर धोखा दिया तो हमें सही डॉक्टर को पहचानना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में असली नकली दोनों हैं गोल्ड भी है रोल गोल्ड भी है है ना असली करेंसी नोट है नकली करेंसी नोट भी है असली नकली के बीच में फ़र्क जानना आवश्यक है अगर आपको सोना खरीदना हो उसको चार तरह के परीक्षा करते हैं निगिरशना, छेदन तापा ताड नहीं है ऐसे चार चीज का मतलब है ऐसे रब करके देखना वो कैसे दिखता है वो और काटना उसको आग में डालना नहीं तो एक, एक हथौड़ी लेकर मारना उसके द्वारा पहचाना जाता है सोना इसी तरह गुरु जो हम स्वीकारते हैं शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो जो भी हम स्वीकारते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं सर ठाकुर का एक आर्टिकल आपको दिखाता हूँ सर ठाकुर क्या लिखते हैं देखिए ये बताते हैं कि जो रीत रिवाज होता है दीक्षा का ना, उसके द्वारा हम एक आध्यात्मिक जीवन में हमको एंट्री मिलता है जिसमें हमको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता है और हमारे पापों को खत्म करने के लिए मौका प्राप्त होता है और इसमें बताते हैं कि ऐसा नहीं कि दीक्षा का रीति रिवाज हो गया बस आ, लेकिन एक शिष्य की willing cooperation ऑन द पार्ट ऑफ द डिसेबल बोलते हैं तो अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो डॉक्टर कभी कभी आपको कुछ दवाई देते हैं कुछ लोग दवाई लेकर उसको अपने घर के कपाट में रख देते हैं लेते नहीं थोड़ा लेते हैं थोड़ा ठीक होने के बाद दवाई को क्या करते हैं भूल जाते हैं और चार दिन बाद वापस पेट में दर्द होता है डॉक्टर के पास भागते हैं डॉक्टर डॉक्टर ठीक नहीं हुआ मेरा वो पहला क्या पूछेगा वो दवा दवाई, दवाई पूरा किया क्या तुमने हम बोलेंगे नहीं पूरा किया चलो घर वापस जाकर पूरा करो दवाई है कि नहीं इस तरह हमारे लिए हरिनामी दवाई है हरिनाम जब भागवत का श्रवण नाम का स्मरण भागवत का श्रवण विग्रह की पूजा आराधना भक्तिमय सेवा जैसे किताब वितरण करना रूपा जी ने बोला कि तीन चीज क्षेत्रों पर बताते हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सुनो सुनो नित्यानंदत्र करो प्रकार प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा तो इस सचिन महाराज बताते हैं एक भक्त को जपा साइंटिस्ट बनना चाहिए वाट साइंटिस्ट जपा साइंटिस्ट तो हम लोग रोज जपा करने के लिए बैठते हैं कभी कभी हमारे जांग में कुट कुट कुड़ कुट ऐसा कुछ करता है बोलता है कि उठ जाओ पागो ये काम करके आओ वो काम करके आओ लेकिन मन को सुनना नहीं चाहिए मन के गले पकड़ कर खिड़की बाहर फेंक देना चाहिए और हम बैठ कर गुरु की बात सुनना चाहिए जो भी मन बोलेगा काल में दो घंटा बैठकर हम जपा पूरा करने ही वाले हैं ऐसे लगातार करना चाहिए स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके लॉकर में अंदर रख देना चाहिए स्मार्टफोन को बोला अभी तुम्हारा काम अभी नहीं है बाद में तो हम लगन के साथ जो भक्त नाम जपेगा उसकी चित्त बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा और प्रसन्नता प्राप्त होगी उसके दैनिक क्रियाओं में परम आनंद के साथ सुसुकम कर तुम भक्ति कर पाएगा कोई भी व्यक्ति तो और ऐसे नाम करते समय देखना चाहिए कि कितना सुनाई दे रहा है नाम कितना मन भटक रहा है अनेक बार हम लोग देखते हैं नाम जपते समय हम अनेक अनेक योजनाएं बनाते हैं आज का दिन अगले हफ्ते में ये करेंगे नहीं तो जो भूतकाल में घटना घटी उसके बारे में हम सोच कर अफसोस करते हैं लेकिन इस तरह बताया गया कि मन की पंछी जो है उसके पास दो पंखे हैं एक भूतकाल एक भविष्यकाल है तो भविष्य काल और काल का पंछी मन को उठा कर रूपर लेके जाता है तो दोनों पंखों को काट देना चाहिए अगर काट दिया तो मन शांत हो जाता है जमीन में आकर वर्तमान काल में रहेगा वो इसलिए नाम जप में एक व्यक्ति को जपा साइंटिस्ट बनकर मन को देखना चाहिए कि आज के जब में क्या विचार उठ रहे हैं देखिए मन का तीन चीज है थिंकिंग फीलिंग विलिंग करेक्ट है ना थिंकिंग और थिंकिंग क्या करना चाहिए uh, मन में विचार उठना चाहिए नाम की महिमा के बारे में है? जैसे हरी हरी विफले जन्म गवानो हरे हरे विफले जन्म गवानो मनुष्य जनवा राधा कृष्ण नवजिया मनुष्य जनमा राधा कृष्ण नव न सुनिया विशकाय का जानिया सुनिया कायनो बोल के रेवा हरि नाम संकीर्तना

संसार दिशा लेवाली तिहिया ज्वले जोड़ाई ना कोई उपा

देना घेणा या ताक केलो हरी नावे उदार लो देना घे ना या तात केलो कार प्रभु नंद तुता वृषा बनुसूत युत करुणा करेवार करुणा करो गई बारो नाते ना कोई ना चली हो रंग पोमा तो बिना के आते आमा Hari Hari Vifare Janam Gavainu Hari Hari Vifare Janam Gavainu Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare

tai gauranga jaya nitai gauranga tai gauranga nitai gauranga nitai gauranga nitai gauraha divo सोचने की शक्ति से हरिनाम के गुणगान सोचना चाहिए। जैसे छठे स्कंद में पढ़ते हैं विष्णुदूत यमोदूतों को बताते हैं अनेक हरिनाम के महिमा के बारे में हैं। बताते हैं कि दवाई खाने वाले व्यक्ति डॉक्टर के पास रंग बिरंगे दवाई लेता है कोई पीला है कोई नीला है कोई हरा है पता भी नहीं उसको नाम भी आजकल क्या क्या नाम बोलते हैं दवाई का याद रखना भी मुश्किल है लेकिन जैसे अगर आपको गाव हो गया हाथ में घुटने में डॉक्टर पर जाओ बोलेगा टेट्रामसिन एरे माइसिन कुछ बोलेगा मैसेन माइसिन मेरे पाप ही यह, उसके कारण ये हो गया गाव हो गया ठीक है द आयनमेंट लो उसके अंदर क्या है मालूम है क्या आपको उस आयनमेंट में क्या है ऐसे ही डाल लो दो तीन दिन में सूख जाता है वो करेक्ट है ना इसी तरह हरिनाम भी बच्चा भी लेता है हरिनाम एक वृद्ध व्यक्ति भी लेता है युवक युवती लेते हैं उनको हरिनाम की महिमा ना जानने के बावजूद भी अमेरिकी लोगों को कृष्ण कौन है वो भी मालूम नहीं था उनको हरिणाम लेकर लाभान्वित हुए वो लोग इसलिए विष्णु बताते हैं कि वीरतम उपयुक्त जदृछया अजान्याम गुण कुर उदाहतस्खलि भग्न संद्त आहत हरी हिते एवशेनाह पुमानारहति यातनाह अगर कोई सड़क में चलते-चलते फिसलकर नीचे गिर पड़ा मर गया या तो कोई छत से नीचे गिर के मर गया अगर कोई 107 डिग्री फारेनहाइट होकर उसका मरणज आकर मर मिटा कोई व्यक्ति कोई यादिग्रस्त होकर किसी को सर्प ने डस दिया मर गया हो लेकिन मरते समय एक व्यक्ति निस्ाय होकर निरपराध भावना के साथ हरी नाम को पुकारा ऐसे उस व्यक्ति को नरक जाना नहीं पड़ेगा ऐसे बताते हैं उमा ना अर्घ यातना हरि का नाम इतना प्रभावशाली है एक ही बार नाम लेने से वो नरक से बच जाता है उसके लिए सबूत क्या है पुष्टि उसके लिए प्रूफ क्या है अजामिल अजामिल एक ही बार नारायण पुकारा वो मृत्यु पाश कट गया उसका और उसको चांस दिया गया आगे भक्ति में बढ़ने के लिए तो हम लोग इस तरह के हरिणाम के गुणगान पहले पढ़ना चाहिए और हरिणाम चालू करने के पहले उन गुणाधिश्यों के बारे में स्मरण करना चाहिए और विस्मित होना चाहिए एक्चुअली बी सब्जेक्टेड टू तो वंडरमेंट चाहिएमेंट महिला हरिम भगवान कितने कृपालु अति कृपालु परम दयालु इस दुनिया में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं और मेरे जैसे महापापी के जिग्वा में भी नाचने के लिए भगवान तैयार हो गए हैं कितने अद्भुत बात है महापापी देख सकते हैं कैसे महान शुद्ध भक्त बना वो मृगारी कैसे क्रूर व्यक्ति था कैसे उसके हृदय अनुकंपा से भर गई है हरिनाम ने क्या क्या चमत्कार करके दिखाया है तो हरिनाम की महत्ता के बारे में सोचना चाहिए थिंकिंग फीलिंग क्या होना चाहिए शिक्षा के दूसरा श्लोक क्या है दुर्दैव ईदृशमी न अनुराग है इतने आप महान होने के बाद भी मैं आपके हरिणाम में हमको रुचि नहीं जागृत हुआ हे कृष्ण हमें मेरे हृदय में कितना अविद्या है कितना गंदगी है कि आपके दिव्य शुद्ध प्रेम को जगाने वाले नाम के ऊपर भी अनुराग नहीं हुआ मेरे हृदय में काश है इस तरह हमें अफसोस करने चाहिए दिस इज फीलिंग है एंड विलिंग विलिंग से क्या करना चाहिए जो माला पकड़ते हैं उसको सावधानी से पकड़ना चाहिए कभी कभी हरे एक मंत्र में लोग दो, दो तीन घुमा लेते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे तो उनको भी आचुर होता है अरे पाँच मिनट में हो गया पूरा माला वो कैसे होगा पाँच मिनट में क्योंकि हमने थोड़ा जल्दीबाजी में कर लिया कुछ कुछ लोग फिट कर देते हैं नाम को है सोचते हैं कि मिनट बचा एक माला पूरा करना थोड़ा बगाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं वो नहीं करना चाहिए देखिए अगर आपके घर में कुछ खास मेहमान आए हो हा? उनके साथ आप कैसे डीलिंग करोगे एक वक्त तो पूछा एक सन्यासी को महाराज जी स्कूटर में जाते जाते कर सकते हैं क्या हरिनाथ तो महाराज ने पूछा कि अगर मैं आऊंगा तुम्हारे तो घर में आप बोलो महाराज आप एक स्कूटर चलाओ मैं एक स्कूटर चलाऊंगा साथ में बात कर सकते हैं क्या ऐसे पूछोगे मुझे ऐसे पूछे बोला महाराज आप तो हमारे घर में मेहमान मेहमानों तो छुट्टी ले लूंगा कंपनी से तो आपको स्वागत करके बिठा कर प्रसाद परोसूंगा महाराज बोले जिस तरह तुम तो मुझे ट्रीटमेंट दोगे इसी तरह हरिणाम का भी तुमको क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट देना चाहिए भगवान के पूजा में जाकर दिया जलाकर भगवान को सर झुक कर शांति से बैठ कर बाकी कुछ टेंशन देने वाले चीज़ निकट कुछ नहीं होना चाहिए बाकी सब दूर रख देना चाहिए हरिणाम में एकाग्रता के साथ करनी चाहिए इसलिए हम लोग प्रातः काल में इसलिए तो करते हैं क्योंकि प्रातः काल में बाकी लोग सो रहे हैं आपको डिस्टर्ब करने वाले ज़्यादा नहीं है कोई हैं फ़ोन को भी स्विच ऑफ़ कर सकते हो आप हैं तो इस तरह थिंकिंग फीलिंग और विलिंग इसलिए बताते हैं इट्स एक्चुअल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑन द द द डिग्री ऑफ ऑफ विलिंग कोऑपरेशन पार्ट तो मैंने बताया आपको बोलो कृष्णा का मतलब है चैंटिंग अच्छी तरह अगर हम नाम जपते हैं उसके बाद हम दूसरों को भी बोलना चाहिए जपा के बारे में इसी तरह भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए भजो कृष्ण और दूसरों को सिखाना चाहिए कैसे अपने अपने घर में लोग पूजा आराधना कर सकते हैं भगवान को इसी तरह करो कृष्ण शिक्षा गीता भागवत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए समझ कर उसको जीवन में उतार कर बाद में दूसरों को भी सिखाना चाहिए ये तीनों चीज हन्मसार्थ करा करो पका तो इसलिए बताते हैं कि गुरु तो दीक्षा दे ही देंगे लेकिन शिष्य की सहयोग की जरूरत है इसलिए बताते हैं कि कभी कभी अगर शिष्य शिष्य ठीक तरह से पालन नहीं किया तो वो कमजोर होकर उसके आध्यात्मिक जीवन में गठन भी आ सकता है दीक्षा के बाद भी हा? क्योंकि कारण क्या है वो गंभीरता से पकड़ा नहीं जैसे रॉकेट जाता है लेवन किलोमीटर पर सेकेंड उसको भगाना पड़ेगा तब वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा हाँ लेकिन अगर आपने ग्यारह किलोमीटर पर सेकंड में नहीं चलाया थोड़ा धीमी में चलाया आपने तो वो यूटर लेकर वापस आ जाएगा हाँ कितने लोगों ने देखा एरोप्लेन शुरुआत में क्या करते हैं ये प्रोपेलर करते हैं देखा आपने एकदम तेजी से चलाते हैं देखा आपने दैट काइंड ऑफ प्रोपेलिंग इज द प्रेयरफुल मोड जपा में भी जपा में जो प्रार्थनात्मक भावना जो है वो प्रोपेल प्रोपल्शन है वो पहले कर लेना चाहिए मन को प्रार्थनात्मक उसके बाद कैसे बगाते हैं देखा आपने एरोप्लेन को जूम कितने लोग ने देखा तेजी से भगाते हैं करेक्ट है ना वो एक ऐसे तेजी होना चाहिए कि वो ये भी जैसे जाएगा प्रोपल्शन भी किया है तो ऊपर उठ जाता है वो तो इस तरह हमारे अंदर प्रार्थनात्मक भावना भी है साथ में बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा कर एक ही दिशा में नाम जब करते हुए बगाना चाहिए आगे तो तब मन ऊपर उठेगा भौतिक स्तर से अध्ययन पर उठेगा वो नहीं तो अगर जैसे इस इस दुनिया में नीचे खींचने वाले अनेक चीज़ें हैं जैसे उदाहरण के लिए आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया में लोग घुस जाते हैं यूट्यूब वीडियोस देखने में समय चला जाता है प्रजल्प करते हैं ज़्यादा भोजन खाते हैं और भक्तों के साथ झगड़ा करते हैं वाद विवाद करते हैं नहीं तो दोषारोपण करते हैं नहीं तो चार नियमों को सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो ये सब क्या है एक काष्ट को के ऊपर आप पानी का सिंचन करो वो गीला हो जाता है और चूल्हे में जब डालो तब धुआं निकलेगा अगर आपको आग चाहिए तो काष्ट को सूखा रखना पड़ेगा आपको इसका मतलब है हमको लोअर वेक्टर अपर वेक्टर जानना पड़ेगा लोअर वेक्टर ये सब बताया मैंने नीचे जाने वाली चीज़ ऊपर लेके जाने वाली चीज़ क्या क्या है मंदिर में नियमित रूप से आना दर्शन करना भगवान की गीता भागवत का अध्ययन करना ग्रुप में आकर पढ़ना नाम जपना हुँ? और भक्तों के समूह में रहना हमेशा ऐसे इसलिए बताते हैं इनिशिएशन एक व्यक्ति को सही ट्रैक पर डाल देता है बोलते हैं और इनिशियल इम्पल्स देता है उसको एक धक्का देते हैं गुरु जी आगे बढ़ने के लिए हमको फिर भी इट कैन नॉट है कीप वन गोइंग फॉर गुड अनलेस वन चूसस टू पुट फोर्थ दिस ओन वॉलेंटरी एफर्ट ये गुरु देंगे उपदेश लेकिन पालन करने का ड्यूटी किसके पास है शिष्य के पास है तो गुरु सिर्फ आपको मैप दिखा देंगे हे बच्चे देखो ये ब्लू प्रिंट है भगवत धाम जाने का ब्लू प्रिंट ऐसा है, है जैसे भक्ति लता बीज देते हैं ना ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन है भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद ए पाए भक्ति लता बीज भक्ति लता बीज का मतलब क्या है द आइडिया द प्लान द मेथड द प्रोसीजर जैसे प्रभुपद ने बोला माला करो चार नियम पालन करो शिवग्रह की पूजा आराधना करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो देखिए एक एक छोटा पिक्चर दे पाता तो देखिए संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूटर ये बच्चा देखिए फ्रेंच यात्रा में एक संकीर्तन डिवोटी है उसका नाम है संगीता है टलर वो छोटी बच्ची है लेकिन वो इसमें उसके प्राइम बोलते हैं ना उसमें बैठे बैठे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किताब है देखिए वो दो उम्र से भी छोटी है वो हा? और ये संगीता जो है कब से डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया उसने शी वॉज बैडली ईयर ओल्ड एक ही साल था उसका उधर से अपने घर के बड़ों को देखा उन्होंने तो वो बोली कि मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी हा? उनको देखकर चालू कर दिया उसने तो क्रिसमस मैराथन में उन्होंने एक दूसरे एक छोटी बच्ची थी उसको उन्होंने एक किताब वितरण कर दिया उसको वो बच्ची क्योंकि बच्चे बच्चे को देखते हैं ना वितरण कर दिया और ये संगीता के माँ को उन्होंने डोनेशन दिया इधर देखिए अपने माता पिता के साथ जाती है किताब वितरण के लिए टेम्पल प्रेसिडेंट लोचन आनंद दास अन गधर्विका राय देवीदास वाइफ है वो उधर के अध्यक्ष हैं वो वो हरिनाम संकेतन में रेगुलर जाते हैं किताब वितरण भी करते हैं वो ठंडी के मौसम में भी करते हैं वो लोग कैसे बताया है। और उसके बाद लंदन में भक्तों के साथ चलने लगी सड़क में आपने अपनी माँ के हाथ पकड़ी है दूसरे हाथ में भगवत गीता है देखा आपने इसको देखकर अनेक लोग बच्ची के इस तरह के प्रभाव से अनेक लोग किताब ले लेते ले थे, थे उसके हाथ से बताया गया वो ज़्यादा बोल नहीं पाई बच्ची थी सिर्फ प्रभुपाद प्रभुपाद बोलती थी वो प्रभुपाद बोल के किताब दे देती दे थी, थी बच्चों दूसरों को ऐसे और उनके मंदिर में हर दिन मंगल आरती में आती है वो और प्रभुपाद जी की मूर्ति के सामने दंडो प्रणाम करती है वो तो उनके जो उनके दादाजी हैं वो भी पैरिस मंदिर में सेवा करते हैं वो शी इज अ थर्ड जनरेशन इज कनैक्ट उसका मतलब है उनके दादाजी उनके पिताजी और अभी वो तीसरे उनके घर में सब लोग इस खान से जुड़े हैं <coughs> लेकिन मैं आपको क्यों दिखाया है ये अगर कोई आदर्श दीक्षित भक्त हो तो उनको सोचना चाहिए कि हम गुरु के लिए परोपद जी के मिशन में हम क्या योगदान दे रहे हैं वो हमें देखना चाहिए वो इस तरह पक्षान से जाकर बताते हैं स्वयं से भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए वो दूसरा गुण है हाँ। अब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की शुद्ध पूर्वक सेवा करनी चाहिए उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए जैसे प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए जंगल में मैंने सुना कि जब लक्ष्मण और राम जब रात को विश्वामित्र सोते थे दोनों दोनों पांव दबाते थे गुरु जी की गुरु जी बीच बीच में उठते थे बोलते थे हे बच्चे सो जाओ बोलते थे, थे हाँ हाँ बोलते थे लेकिन सोते नहीं थे करते रहते थे सेवा उनकी और इस तरह आप सुनते हैं आ, आ, हनुमान किसके शिष्य थे सूर्यदेव के शिष्य थे सूर्यदेव बोले कि मैं एक स्थान में टिकाना नहीं बनना बनाता मैं तो घूमते रहता हूँ मैं कैसे तुमका तुमको सिखा पाऊंगा वो बोले मैं भी घूमूंगा आपके साथ नो प्रॉब्लम तो सूर्य आगे आगे जाते थे हनुमान पीछे पीछे जाते थे हा? तो ऐसे गुरु से सीखा उन्होंने हा? उनके साथ सफ़र करते करते सीखा अंत में सूर्यदेव ने बोला हे hey, वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं दक्षिणा के रूप में एक ही चाहता हूँ मेरे पुत्र जो है जो सुग्रीव जो है अगर वो राजपदवी में रहे नहीं तो उसको अधोगति प्राप्त हो किसी भी परिस्थिति में तुम उसको त्यागो मत तुम साथ में रहो बात से इतना ही बोला उन्होंने तो हनुमान ने मान लिया बाद में जब बाली ने सुग्रीव को पराजित करके भगा दिया ऋषि के पर्वत में तब हनुमान उनके साथ रहे हनुमान ने ही सुग्रीव का संबंध जोड़ा प्रभु रामचंद्र के साथ हाँ उनके साथ में रहे हमेशा उनको कभी कभी उपदेश भी दिया हनुमान ने उनको क्योंकि गुरु की आदेश थी कि सुग्रीव को बचाओ उनको साथ दो तो उन्होंने किया इसे उन्होंने तो आप देख सकते हैं जो शिष्य होते हैं वो गुरु के आज्ञाकारी होते हैं जो गुरु के दिए हुए आज्ञा को सही ढंग से वो पालन करते हैं हा? जैसे दो शिष्य हैं रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी अपने गुरु गुरु को नाखुश किया उसको अभिशाप मिला उसको लेकिन ईश्वरपुरी उनके गुरु के अंतिम काल में मलमूत्र इत्यादि का क्लीन किया सफाई किया और गुरु के निकट बैठ कर वह कृष्ण लीला लीलामृत पढ़ रहे थे तो गुरु प्रसन्न होकर शिष्य को आशीर्वाद दिया कि हे वत्स तुम्हारे हृदय कृष्ण भक्ति से भर जाए बाद में वो चैत्र महापुरु कभी गुरु बने वो ईश्वर पर लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा पांच गुण है देखिये पहला बताते हैं सब लोग बोलिए तस्य मे नु रक्त प्रश्रित हत श्रद्धान से बाल अनुचरस्य अनु बाला गुण है अनुरक्त होना गुरु के आदेशों से आसक्त होना प्रश्रित मतलब आज्ञाकारी होना आदेश को सुनने के बाद उसको निभाना तीसरा है श्रद्धा दान से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना और चौथा है दात्य मन इंद्रियों को संयमित करके भगवान में लगाना और पांचवा है अनुचर उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का उनके अनुचर बनना प्रसरित का मतलब है आज्ञा को पालन करना उधर बताया गया है आज्ञाकारी प्रसरित से मतलब है सरेंडर्ड सरेंडर्ड एंड इज दस्य और अनुचर का मतलब है बिकम अ फॉलोअर ऑफ गुरु कौन किसको फॉलोअर बोल सकते हैं जो स्वामी किस तरह करते हैं उनके आदेशानुसार चल ये भी चलता है पीछे पीछे हुँ? ऐसे ये पांच गुण बताते हैं जिससे हम गुरु के प्रिय बनेंगे जैसे सुध गोस्वामी के बारे में बताया गया ब्रुयु को स्निग्ध से शिष्य से गुरुप्य हम वो, वो स्निग्ध शिष्य बने अपने गुरु के तो ये सब सोचने की बात है एक दीक्षित भक्त को अपने जीवन में मैं एक दो विषय विषय के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया है पांचों में हुँ? लेकिन भागवत के अंदर ये सब परम से छुपा हुआ है अगर हम इसको समझ कर जीवन में उतारेंगे हम लाभान्वित हो सकेंगे प्रभात जी भी ऐसे ही शिष्य थे उनके गुरु के हैं गुरु ने दो आदेश दिया एक दिया अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो उसके लिए उन्हें इस खोला दूसरा आदेश दिया जब तुम्हारे पास पैसा मिल जाता है तो छाप कर किताबों का वितरण करो उसके लिए बीबीटी चालू किया इतना बड़ा इस्कान इतना बड़ा बीबीटी दो आदेशों को पालन करने के लिए हम गुरु के प्रिय बने और यशस्वी बने आ, उनका जीवन धन्य हुआ सारे हम लोगों को भी दुनिया के लोगों को भी लाभान्वित किया उन्होंने लक्त अभिन की, की। तो इधर पाँच दस मिनट रहूंगा मैं इधर अगर किसी को प्रश्न पूछना हो तो व्यक्ति का से आप पूछ सकते हैं ठीक है लेट ना दीक्षा लेता है तो दीक्षा के बाद उसको गुरु को शरणागत होना चाहिए कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में रहता है दीक्षा ग्रहण करता है, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद यदि ब्रह्मचारी है तो वो कहता कि अब हम इस मंदिर को छोड़ के गुरु जी का जो मंदिर है तो ऐसे समय जो दीक्षित भक्त है उसका क्या मनोभाव होना चाहिए और जो व्यवस्थापक है उनका क्या मनोभाव होना चाहिए uh, actually, है। जाना है। जिन भक्तों को जाना है वो जा सकते हैं प्रभु जी प्रश्न प्रश्नोत्तर करेंगे जिनको पर्सनल प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं बाकी भक्त जा सकते हैं जिन्होंने ने एक, एक प्रश्न अच्छा प्रश्न पूछा है दूसरे मंदिर में एक भक्त आता है दूसरे मंदिर से गुरु जी उनको उनके मंदिर से दूसरे मंदिर भेजा है अभी वो बोलता है कि मैं गुरुजी के मंदिर में मैं चले जाऊंगा वापस तो बाकी भक्तों को उनको कैसे देखना चाहिए हाँ रहता है गुरु गुरु आकर दीक्षा देते हैं एक मंदिर में दीक्षा लेकर वो बोलता है कि उनके गुरुजी के मंदिर में मुझे जाना है करके अभी पुना में एक भक्त है वो परम मुझे बक्सा और महाराज से दीक्षा लेता है उसके बाद बोलता है उज्जैन में जाना है मुझे उधर जाकर रहूंगा कर तो हम क्या करते हैं मैं और रिजोलस भक्ति प्रेम महाराज दोनों उससे बात करते हैं हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए उचित स्थान क्या रहेगा पूना में रहना अच्छा है उसको नहीं तो उज्जैन में रहना अच्छा है कभी कभी महाराज बोलेंगे अरे पुनः से तुम्हारा भक्ति शुरू हुआ है अनेक लोग हैं पुना में तुम्हारे पहचान के चलो तो चुड़को उधर क्यों आते हो पुनः में रहो बोलेंगे नहीं तो उसको उज्जैन में कुछ सेवा है जिसमें योगदान दे सकता है जैसे आपका जो स्कल्प स्कल्पिंग स्कल्पचर है ना वो जो क्या बोलते हैं उसको डिपार्टमेंट अल्ट्रा डिपार्टमेंट अगर उसमें उसका कुछ टैलेंट है तो मैं महाराज को बोलूँगा कि महाराज उसका स्पेशल टैलेंट है तो काम है भी आपको आएगा आप ले लीजिए तो वो लीडर्स डिसाइड करना चाहे उसके बारे में तो एक बार देवेकानंद प्रभु ने बोला मुझे मैं यशोदनंद बक्सर स्वामी को पानपुर में बुलाने वाला हूँ बोला उन्होंने मैंने पूछा महाराज महाराज तो उधर देने उज्जैन में भक्तों को उधर क्यों नहीं भेजते वो बोले नहीं नहीं उधर भेजेंगे तो लोग उधर ही उठार जाएंगे ऐसे बोले <coughs> महाराज को बुला इधर बुलाकर इधर दीक्षा देंगे और महाराज को यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि शिष्यों को इधर ही उठाने के लिए बोलिए ऐसे बोला था उन्होंने देवचंद तो हर एक टेम्पल लीडर का एक चिंता है कि हम दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजेंगे तो वो शिष्य को उठा कर लेके जाए ऐसे चिंता है बिकॉज एवरी टेम्पल वॉन्ट्स टू थिंग्स मनी एंड मैन पावर करेक्ट ना अगर आपने प्रथा करके लाया कोई लड़का उसके गुरु उसको लेके गए तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा आपको करे जाने एक्चुअली है गुरु लोग भी इसके बारे में आ, कुछ कुछ गुरुओं का पॉलिसी होता है जैसे गोपालक्ष महाराज परम गोपालक्ष महाराज स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि जिस मंदिर में तुम दीक्षा लिया है जिस मंदिर से तुम्हारा भक्ति चालू आओ उधर ही रहो अगर इधर से वो जुहम में भी आते हैं महाराज बोले इधर क्यों आए मैं तुम्हारे मंदिर में आऊँगा उधर चले जाओ ऐसे बोले क्योंकि प्रभुपात जी भी बोला करते थे ऐसे अपने अपने मंदिर में जोड़कर आप सेवा दो अपने मंदिर को जोड़ दूसरे मंदिर में मत मांगो क्योंकि जिस मंदिर में आपकी भक्ति शुरू हुई है उधर आपकी जान पहचान के अनेक लोग हैं करेक्ट है ना उस मंदिर में बिकॉज यू हैव फ्रेंडशिप यू हैव सर्कल तो उधर टहर के सेवा करना बहुत अच्छा है नहीं तो गुरु के लिए खास कुछ सेवा है कोई ट्रैवलिंग असिस्टेंट चाहिए उनको गुरु लेना चाहते हैं तो लोकल अध्यक्ष से बात करके वो ले सकते हैं Actually, it's all agreement between leaders. There is no fixed rule in this. All right? ये लीडर्स का भाव हो गया जो साधक है जो भक्त है उसके अंदर किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि यहाँ से भक्ति मिला है और कैसे भक्तों से वो संबंध महसूस करे हुए उसका ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए सोचना चाहिए कि अगर ये भक्त आकर मुझे भक्ति में नहीं जोड़ा मेरा बुरा हाल होता था हाँ ये लोगों ने इतना किया मुझे भी कृतज्ञता होनी चाहिए इनके लिए कुछ वापस करने के लिए उनको ज़रूर सोचना चाहिए लेकिन कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा तो उधर वरिष्ठ भक्त हैं संघ बड़ा संग मिलेगा इधर हमारा संग उतना नहीं मिल रहा करके वो लोग सोचते हैं वो गलत सोच है मैं आपको क्यों बताऊंगा? एक वक्त बोला प्रभा जी को कि प्रभा जी अगर मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में अगर मैं होता था कृष्ण को सीधा देख पाता था वो गीता बोलते हुए कितना अच्छा होता प्रभाजी ने बोला अरे कृष्ण से गीता सुनना और मेरे से गीता सुनना दोनों में फर्क नहीं है क्योंकि परंपरा में वही ज्ञान आ रहा है जैसे इधर लाइट आ रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक पोल से दूसरा दूसरा आकर इधर भी आ रहा है ना ऐसे इसी तरह है, अगर वो उधर रहता है एक महाराज के सानिध्यता में नहीं तो इधर रहता है दोनों में से उसको कृपा ज्यादा किधर मिलेगा अगर आप पूछेंगे महाराज को जब खुश करता है तब कृपा मिलेगा उसको एक बार प्रभाजी एयरपोर्ट में थे उनके पाँव के निकट दस बीस भक्तों लोग ऐसे देखते हुए बैठे थे, थे, थे वो जिधर भी प्रभुपा जाते थे वो लोग फ्लाइट टिकट काट कर उनके साथ जाते थे, थे दस बीस लोग थे वो लेकिन प्रभपाज उनकी ओर मुड़कर देखा भी नहीं प्रपाज ऐसे देख रहे थे एयरपोर्ट में कौन किताब वितरण कर रहा है तो उनको देख रहे थे प्रभाज इन लोगों को प्रभा ने बोला देखो देखो कितना अच्छा वितरण कर रहा हो देखो अभी इतना बड़ा स्टॉक लेकर गए पूरा खत्म हो गया उसका तो प्रभुपा तो इसका मतलब क्या है अब जैसे दयानंद प्रभु एक मंदिर के अध्यक्ष थे प्रभा जब बैठे सीट में पूरा हाल भर गया था भक्तों से आओ हाँ, प्रभा माधव गाकर आंख खोला उन्होंने सब भक्त देख रहे हैं प्रभा जी को लेकिन प्रोपा ढूंढ रहे हैं जयानंद प्रभु को तो प्रभाज ने पूछा वेर इज जयानंदा ऐसे पूछा भक्त लोग बोले कि जयानंद प्रभु दूसरे कमरे में कुछ भक्त हैं उनके लिए एक स्पीकर आयोजन कर रहे हैं ताकि आपके प्रवचन उन लोगों को भी पहुंच सके वो आयोजन कर रहे हैं प्रभुपा जी सो पीपल वर लुकिंग एट लुकिंग प्रभुंग प्रभु सारे दुनिया कृष्ण की ओर देख रहा है कृष्ण राधाराणी की ओर देख रहे हैं ऐसा तो भगवान किससे प्रभावित है भक्ति से प्रभावित है इसलिए अगर गुरु ने आपको बोला है कि इधर जाओ तो हम जाकर उस मंदिर में जाकर सेवा करो अगर आप करेंगे अभी वंशीधरी प्रभु उज्जैन छोड़कर इधर आकर सेवा दे रहे हैं तो गुरु उनसे बहुत प्रभावित होंगे कि ये मेरा आदर्श शिष्य है मैंने आदेश दिया इसको पकड़ लिया उसने इतना मैं मेरे, मेरे मुझे इतना कुछ किया है तो उनको बड़ा आशीर्वाद होगा उनको इसके बदले अगर उज्जैन उज्जैनमेटा रहते हो उधर उधर थोड़ा इतना मिलेगा आशीर्वाद इधर इतना मिलेगा क्योंकि गुरु के बोझ को अपने कंधे के ऊपर लेकर जो शिष्य आगे बढ़ाता है संस्था को उसको ज़्यादा ये मिलता है उसके विरुद्ध तो कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं गुरु के निकट रहूंगा प्रभाज ने बोला अरे मच्छर भी आकर बैठता है गोद में नहीं तो इधर मच्छर भी बैठता है मैं भी बैठता हूँ मच्छर क्या करता है इधर सिर्फ काटता है वो तकलीफ देता है इस तरह गुरु के सिर्फ शरीर से आसक्त मत हो जाओ गुरु के वाणी से आसक्त होकर उनकी इच्छाओं को पूर्ति करो जय प्रभा और कोई हाँ बोलिए कि जब तक गुरु के लिए प्रेजेंट रहते हैं तब तक तो हम बहुत एसोसिएट करने का प्रयास करते हैं और

कि उनके शिष्य उनके आदेशों को पालन कर रहे हैं उसका मतलब उन्होंने वाणी को पकड़ लिया है सिर्फ बापू बाप तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा हमारे साथ हाँ एक एक करके अभी गुरु लोग वृद्ध होते जा रहे हैं एक एक करके निकल रहे हैं भगवान के धाम जा रहे हैं सब तो उनके शिष्यों को उनके अनुपस्थिति में प्रभपाल के शिष्य लोग जिस तरह प्रौपाल जी को फॉलो किया इसी तरह हम भी उनके अनुपस्थिति में उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा हमको करेक्ट है ना उसके लिए क्या करना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि गुरु आ, का आ, आ, देहांत होता है कि साधारण मनुष्य जैसे नहीं होता है क्योंकि अभी भी गुरु उधर गोलोक से देख रहे नीचे हमको मेरा शिष्य क्या कर रहा है हा? अभी जिन लोगों को दीक्षा दिया उन्होंने उनके बारे में गुरु भी सोचते हैं कि जब तक इसका उद्धार नहीं होगा वो लोग शांत नहीं होंगे हाँ क्योंकि उन्होंने दीक्षा दिया है एक बार पुनः में आए थे परम पूज्य भक्ति महाराज गुरु महाराज आए थे पुना में तो एक शिष्य ने एक वक्त ने पूछा उनको महाराज जी एक राघव पंडित करके लंदन में एक भक्त था तो उसके देहांत होने के बाद वो रत्नावली माता जी बन बन गया था अगले जन्म में उधर कहीं तो उत्तर भारत में बाद में उस माता को स्मृति आ गई उनके पूर्व जन्म के बारे में तो बाद में वो उज्जैन मंदिर में आकर जुड़ गई महाराज से दीक्षा लिया उन्होंने तो पहले तो था राघव पंडित प्रभुप शिष्य था वो अभी वो वही वो दूसरे जन्म में किसका शिष्य बना महाराज जी महाराज जी भक्तिचार स्वामी के शिष्य बना तो महाराज को एक भक्त ने पूछा कि महाराज हमने सुना है कि गुरु आ, अपने शिष्य को उद्धार करने के लिए बार बार आते हैं हा? जब तक लास्ट शिष्य का उद्धार नहीं होता तब तक आते हैं गुरु तो प्रभापा जी भी बार बार आएंगे क्या इसे पूछा उन्होंने और, और एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि रत्नावली माता जी जो है अभी आपने उसको दीक्षा दिया है वो तो प्रभुपद के शिष्य है लेकिन अभी आपने दीक्षा दिया उसको इसको हम कैसे समझ सकते हैं महाराज जी बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने बोला कि उस शिष्य को वापस लौटाने के लिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भेजेंगे हाँ या तो खुद आएंगे नहीं तो अपने शिष्यों को भेज उनको लौटाएंगे हाँ इसलिए अंत गत्वा राघव पंडित प्रभु दूसरे जन्म में रत्नावली माता जी के शरीर में इस खान से जुड़ गए हाँ अभी उनका भगवत धाम जाने का मार्ग बन गया करेक्ट है कि नहीं वही एक चीज़ बोला दूसरा चीज़ बोला मैंने उनको दीक्षा दिया रत्नावली माता जी को लेकिन आई डोंट सी हर एज माई डिजेबल आई सी हर एज माई गॉड ब्रदर ऐसे बोला आई सी रत्नावली माता जी एज माई गॉड ब्रदर राघव पंडित मैं उसको देखते ही मुझे उसका याद आता है राघव पंडित का याद आता है पूर्व जन्म में क्योंकि वो प्रभापत का शिष्य था लाइक दैट इज सर तो इसका मतलब है आपके गुरु अगर उनका वैकुंठवास हो गया लेकिन अभी भी वो क्या करेंगे अनेक लोगों को आपके पास भेजेंगे जिसके द्वारा आपके भक्ति में आपको प्रेरणा मिले हाँ और वो देखेंगे कि आप कैसे कर रहे हो अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो गुरु ना खुश होंगे उससे हाँ कैसे प्रसाद आदि भगवत प्रसाद बोलते हैं ना हम लोग थे उधर बंगला बांग्लादेश में गोविंद घोष माधव घोष वसुदेव घोष उनके समाधि में हम लोग गए थे दंडत प्रणाम कर रहे थे तब ये इंद्रदमन महाराज उन्होंने बताया कोई कोई आप में आप लोग पढ़े लिखे हो आई आई टी इत्यादि पढ़े हो आप लोग सो, आप सोच सकते हो कि ये सब समाधि है अंदर जो समाधि में रखा जाता है शरीर उससे तो, तो कीड़े काट जाते हैं सिर्फ हड्डी बचता है इधर जाकर हम सर झुक कर हमको क्या लाभ प्राप्त तो होगा इससे आप लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचने की संभावना है लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन इनके शरीर में जो आत्मा थी वो अभी गोलोक धाम पहुंच गई और उधर से ये लोग देख रहे हैं कि हमारे समाधि में कौन आ रहे हैं समाधि को कोई प्रदक्षिणा कर रहे हैं दंडवत कर रहे हैं तो ऊपर से वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे बोला क्योंकि अभी वो लोग सिद्ध देह में है पहले थे साधना देह में अभी सिद्ध देह में अभी आपके गुरु भी सिद्ध देह में है कोई गोपी होंगी कोई किसी भाव में हमको मालूम नहीं क्या नाम है उनकी लेकिन उधर से वो देख रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए ठीक है जस्ट मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें हाँ। बोलते हैं गुरु तत्व है अल्टीमेटली तो गुरु तत्व ही सबको लेने के लिए ले, ले, ले आएंगे अच्छा पे जो राघव पंडित का उदाहरण दिया ऐसे बोलते हैं या दूसरा दीक्षा तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है तो फिर दूसरा दीक्षा है तो उसमें रीनिशेषन तब करते हैं जैसे एक व्यक्ति था एक के गुरु से दीक्षा ली थी उसने उनके गुरु छोड़ दिया था सब कुछ तो वो मेरे गुरु के पास आया बोला कि महाराज मुझे अभी गुरु नहीं है आप मुझे री इनिशिएशन दे सकते हैं क्या मैं भी बैठा रहा उधर तो मेरे गुरु महाराज उसको बोले देखो इस खान में अगर किसी ने दीक्षा लिया है तो वो गुरु उसके हाथ पकड़कर वो गुरु परंपरा से उसको लिंक कर देता है लिंकिंग लिंकिंग मतलब कनेक्ट कर देता है उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसा होता है एक लड़का अपने मित्र को लेकर आता है मंदिर में इधर मंदिर में आकर आपसे जोड़ दिया मंदिर में और वो मित्र भी कभी कभी छोड़ कर चला जाता है लेकिन वो जिसको लाया उसने उसका कंटिन्यूशन रहता है उसका समझा ना आपने इसी तरह एक गुरु अगर किसी शिष्य को कनेक्ट करके या तो वो गुजर गए नहीं तो वो छोड़ कर भी चले गए उस व्यक्ति का कनेक्शन कभी टूटता नहीं तो मेरे गुरु महाराज उसके बोले कि रीन शेष की जरूरत नहीं है तुमको तुम ऑलरेडी कनेक्टेड हो परंपरा से हमारे प्रभपद के मिशन से जुड़े हो लेकिन अगर तुमको बहुत कमजोरी महसूस होता है एक अभाव का महसूस होता है तो मैं तुमको रीनुशन देने के लिए तैयार हूँ ऐसे बोलकर महाराज ने तो उसने मांगा बाद में उनको दिया महाराज ने तो बोलते हैं है, है। 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 दूसरी तरफ जैसे आपने उदाहरण किया की कि वो महाराज है गुरु है वो छोड़ करके चले गए उनका जो भी हुआ

अगर किसी का पतन होता है तो उसको गुरु के स्तर में माना ही नहीं गया है उसको हा? उसका अभी तक शुद्ध नहीं हुआ उसके पहले वो गुरु बन गया ऐसे कुछ लोग हैं सन्यासी हैं कुछ गुरु हैं वो लोगों ने छोड़ दिया अगर अभाग्यवश किसी ने ऐसे पतित गुरु और अवलिप्त से कार्य अकार्य अजानत है महाभारत में बताया गया अगर ये गुरु क्या कार्य है क्या आकार्य है जानता नहीं हो वो गुरु नहीं है कभी कभी वो लोग गुरु बन जाते हैं कभी कभी हम्म तो उनसे दीक्षा लिया तो उसको छोड़कर सही गुरु से दीक्षा लेना चाहिए वो बताया गया अभी सही गुरु से आपसे दीक्षा लिया आपने तो गुरु का गमन हो गया अभी आपको एक अकेलापन महसूस होता है आप एक वरिष्ठ एक एडवांस्ड वैष्णव का आश्रय आप ले सकते हो लेकिन दीक्षा लेने की जरूरत नहीं यू कैन टेक इंस्पिरेशन एंड सर्विस फ्रॉम एडवांस डिवोटी समझा आपने उनसे लेकर कुछ कुछ भक्तों को लगता है कि मुझे कुछ सन्यासी की सेवा करनी चाहिए व्यक्तिगत सेवा उनके लिए कुकिंग करो उनके कपड़े धोना उनके साथ ट्रैवल करना उनके प्रवचनों को सुनना व्यक्तिगत रूप से प्रश्नोत्तर करना उससे शक्ति बढ़ता है किसी का और लेकिन दीक्षा लेने की जरूरत नहीं दीक्षा ऑलरेडी हो चुका पहले ठीक है ना जी सर ने बताया कि जो यदि कोई गुरु का फॉल डाउन हुआ मतलब वो योग्य था ही नहीं मतलब गुरु करने के वो करते हैं है सामान्य जो परंपरा का सिस्टम यदि गुरु नहीं है गुरु डिपार्चर हो गए तो ही उसको कैरी ऑन करते हैं सक्सेशन को और सम्भव उसमें तो कोई उनको बताने के लिए नहीं कोई गुरु तो उनको अपॉइंट करके गए नहीं कि भाई आप अभी योग्य हो कि नहीं हो बट दिस इज द नेचुरल सिस्टम तो यदि गुरु नहीं है है तो ने ग्यारह गुरुओं को चुना ग्यारह लोगों को बोला कि ये लोग ऋत्विक आचार्य बनेंगे और इनके शिष्य मेरे शिष्य होंगे जब तक मैं प्लानिट में हूँ मैं जिंदा हूँ और उसके बाद सचुपदास महाराज और समाक्ष महाराज ने उनको पूछा कि प्रपजाज आपके जाने के बाद क्या होगा प्रपजाज बोले कि मेरे जाने के बाद आप लोग जो दीक्षा दोगे वो किसका शिष्य होगा आप लोगों का शिष्य होगा डिजाइपल ऑफ माई डिजाइपल विल बी माई ग्रैंड डिजाइपल अभी ऋत्विक लोग क्या बोलते हैं प्रभापा ने बोला कि मैं जब ऑर्डर दूंगा तुमको दीक्षा देने के लिए तब से तुम दीक्षा गुरु बनोगे लेकिन मेरे उपस्थिति में आपको गुरु नहीं बनना चाहिए ऐसे जी बोले अभी ऐसे बोलकर प्रभुपाजी नाइनटीन सेवेंटी सेवन नवम्बर में प्रभुपात जी चले गए हैं अभी इन लोगों का बोलना क्या थे इन लोगों का क्योंकि अभी तक प्रभा जी ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया तो कोई गुरु ही नहीं मरना चाहिए ऐसे इनका बोलना है तो ये किसके समान मैं आपको उदाहरण दूंगा एक बार वृंदावन गुरुकुल में प्रपज गए थे छोटे बच्चे थे गुरुकुल में पाँच वयस के टीचर ने पूछा प्रभापा जी कितना छपा देने का प्रपज बोले कि पाँच छः वयस के बच्चों का एक छोटा छपा दो बस बोला अभी बच्चे का आठ नौ उम्र हो गया अभी टीचर ने बोला प्रभुपाद ने बोला एक ही चपाती देने का अभी आप लोग एक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए प्रभुपाद के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए कितना मूर्खता होगी अगर बड़े हो गए तो और भी बड़ा चपाती की जरूरत पड़ेगा ना चार पाँच चपाती की इसी तरह ठीक है सा, नाइनटीन सेवनटी में प्रभुपाद जी ने देखा कि अपक्व लोग हैं अभी तक हाँ कोई पक्व नहीं है गुरु बनने के लिए लेकिन अभी कितने पचास साल बीत गए अभी अनेक लोग अभी देखिए परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज परम पूज्य भक्तिचरण महाराज परम श्री गोपालकृष्ण महाराज तो परम पूज्य भक्तविका स्वामी महाराज परम श्री राधा गोविंद महाराज अब ये लोग भारत में देखेंगे ये लोग इनको किसी भी तरह का ट्रबल नहीं हुआ अपने आधेन जीवन में है एकदम पक्के धाड़ 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 आगे चला रहे हैं गाड़ी पचास साल हो गया क्या ये गुरु मन के लिए लायक नहीं क्या ये तो ये मूर्ख होकर बोलना कि प्रभुपाद की बात कोई गुरु नहीं हो सकता है उसका अकल नहीं है उसका हाँ वो हट करने वाले संकीर्णवादी है वो वो बोलते नहीं नहीं मैं उनको पूछा है पृथ्वी को पूछा वो बोला जब प्रभुपाद नीचे उतर कर आकर बोलेंगे ये सब गुरु हैं तब हम उनको गुरु के रूप में मानेंगे बोला इसका मतलब दे आर टॉकिंग आउट द इम्पॉसिबिलिटी दे आर फूल्स क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए भक्तिना जयदूत स्वामी महाराज का वैर रित्विक्स आर राइट वैर रित्विक्स आर रॉन्ग दो आर्टिकल लिखा उन्होंने तो ये गुरु सिस्टम प्रभुपाद नहीं बोला कि आप कंटिन्यू करो अगर कंड्यू करते समय अगर किसी गुरु का पतन होता है तो स्कान बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें अगर किसी का कुछ गलती हुआ तो उसको निकाल देंगे उसको उस पद में नहीं रखेंगे उसको अध्यक्ष भी क्यों ना हो नहीं तो गुरु भी क्यों ना हो सन्यासी भी क्यों ना हो आपको देखना पड़ेगा कि 2003 के बाद अभी तक जो सन्यास लिया है उसमें कितना पतन हुआ है प्रायः कुछ नहीं है बिटवीन 2003 थाउजेंड एंड टू थाउजेंड बीस साल में पूछ एक भी नहीं होगा आपको केस क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया अभी इस खान में किसी को ऐसा नहीं सन्यास दे देते हैं अभी आप शायद आपने देखा होगा सोलनस भक्ति प्रेम महाराज ने गुरु का प्रण प्रण लिया कितना एक घंटा पढ़ रहे वो कितना पॉलिसी पढ़ा है सुना आपने देखा वो वीडियो देखा नहीं सुना था आप देखना चाहिए एक 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 पी उनको बीस पेज दिया है पढ़ने के लिए क्या क्या प्रण लिया उन्होंने आजकल अगर आपको सन्यासी भी बनना हो गुरु भी बनना हो आपको 10-20 बड़े बड़े लीडर रेकमेंड करना चाहिए बहुत सालों से एक्सपीरियंस होना चाहिए तो इसे उन दिनों में प्रॉपर के समय दीक्षा भी बहुत आसान से मिला लेकिन आजकल स्ट्रिक्ट हो गया आजकल बहुत इसलिए हम लोग ज़्यादा इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए हम सोच लेना चाहिए कि जो भी गुरु इस खान में अनुमति दिया जाता है वो अच्छे लोग हैं पक्के लोग हैं एक बार हो सकता है इधर उधर कोई किसी का पतन हुआ तो हम उनके अंडर में जो भी लोग थे वो लोग दूसरे गुरु का आश्रय लेकर आगे बढ़ सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है आप तो जैसे बताया कि जो इटर्नल रिलेशन को हमारा क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा सा नहीं इटर्नल रिलेशन आप समझ नहीं रहे हैं आप इटर्नल रिलेशन का, मतलब का मतलब है गुरु का मतलब गुरु एक ही है कृष्ण मंदे जगत गुरु गुरु अनेक नहीं है अगर आप गुरु तत्वों को नहीं जाना हमको चक्कर आएगा हमको मेरा मैं मैं तू तू मेरा मेरा तेरा तेरा इस तरह करोगे आप गुरु यकी है कृष्ण ही एक है लेकिन अटल मतलब क्या है ये एक कृष्णा अनेक गुरु के मुखों से ये ध्वनि जो निकलता है जो आध्यात्मिक उपदेश निकलता है अनेक गुरुओं के मुख से निकलते हैं कारण क्या है अलग अलग गुरु का तरीका अलग होता है सिखाने का हाँ तो कुछ कुछ जीव एक गुरु की आदतों से आकर्षित होते हैं हैं कोई कोई बोलता है कि एक गुरु से सुनने से हमें अच्छा लगता है किसी को इन गुरु से सुनने से लेकिन वो बोलने वाला सब्सटेंस एक ही है भगवान का और वो पकड़ने के बाद क्या हादम दुनिया में जाने के बाद अगर आपका हिटर्नल रिलेशन हो तो उनके सेवा में जो ग्रुप बनेगा जैसे ललिता विशाखा तुंग विद्या चित्रा रंगदेवी सुदेवी वो सब हैं उनके ग्रुप में आपका आप भी शामिल होकर उस ग्रुप में भी एक अंग होंगे आप हेटर्न मिलेगा हिटर्नल रिलेशन जैसे अगर आप इस्कान है गौड़िया है अभी इसकान का सारे लोग प्रपत के अंडर में है हाँ, इंटरनल रिलेशन किसके साथ है आप सुनेंगे प्रभुपाद के साथ कोटि कोटि जीवों के साथ प्रभुपा का संबंध है तो ये सब आचार्य सो हम हम लोग उसके झुंड में रहेंगे उस दुनिया में दैट इज एटर्नल कनेक्शन और उसमें अगर आप आपके आपने कुछ दीक्षा लिया गुरु से उनका उनके सिद्ध देह में आप देखोगे और आपका भी सिद्ध देह होगा उधर ठीक है ना यहाँ थैंक यू Yeah, please.

इसलिए अगर आपका लोकल डेटी है अभी देखिए वसुगोष प्रभु इधर आए पहले से राधा श्याम सुंदर इधर ही हैं जिस जिस तरह राधा श्याम सुंदर हैं इधर उधर वसुगोष्ठ प्रभु हैं अभी बरोड़ा बोलेंगे तो वसुगोष प्रभु करेक्ट है ना तो इधर से छोड़ कहीं और इधर उधर घुमा नहीं वो इसको टिकाना बना दिया उन्होंने अगर हम उस तरह रहते हैं तो वो डेटी से संबंध और भी मजबूत बनता जाता है लेकिन कभी कभी होता है दो चीज़ होता है या तो एक ही शहर में और एक दो मंदिर आ जाते हैं अगर आपको सेवा के लिए गुरु आपको उधर भेजते हैं नए है डेटी आ जाता है नहीं तो आप नौकरी के लिए एक शहर छोड़कर दूसरा शहर जाते हो आप है? उस समय डेटी बदल जाता है आपको तो आपको पुराना जो इम्प्रेशन शुरुआत के दिनों में जो इम्प्रेशन मिला आपको भक्तों के साथ डेटी के साथ उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है इसलिए आपके घर में रख सकते हैं आप नो प्रॉब्लम राधा पाठ सारथी का एक पिक्चर रख सकते हैं देख सकते हैं आप या yeah, आपके मन के अंदर जो प्राणनाथ है अगर आप अपने जो पूर्व जो डेटी को रखना चाहते हैं उसमें कुछ गलती नहीं है हैज़ बढ़िया डेटी है अभी जीव गोस्वामी का एक डेटी है सनातन गोस्वामी का डेटी है रूप गोस्वामी का डेटी है हरे का प्राण है इट इज़ नॉट रॉन्ग बट इन द लोकल टेम्पल वेन वी कम वी शुड सिंग दैट डेट इज नेम राधा श्याम स्नर का गाना से ठीक है ठीक है हरे कृष्ण या उनका या, Hari Krishna, uh, Prabhuji, I, have, I pay my respectful obeisances to your lotus feet. So, the question I'm having is I'm in a little dilemma. Like, we have a lot of responsibility and love towards our parents and family. So, is it necessary that we have to do complete sacrifice to and to the uh, Godhead, or we can get back to Godhead even with being with family and parents? Oh, with family and parents, you can practice. In ISKCON, 99% are Grihasthas. Uh. आप घर में रहकर माता पिता के साथ रहकर विवाहित जीवन में भी भक्ति में कोई गंभीरता से बढ़ सकता है अभी वशुघोष प्रभु खुद भी उनका परिवार है उनके बेटे हैं वो पूरा लगन के साथ भक्ति किया उन्होंने फुल टाइम गृहस्थ एंड हु लिव आउटसाइड एंड कम इन द वीक हाँ आप जिस स्तर में रहकर आपको भक्ति करने के लिए सुविधाजनक लगता है उस स्तर में कीजिए आप यू कैन डू इन वाट एवर स्टेट यू आर कंफर्टबल इफ यू टू मैरी एंड बी विद पेरेंट्स एंड डू अ जॉब विद अलांग विंट डू भक्ति यू कैन डू भक्ति और यू वाँ बी लाइक वसुघोष प्रभु फुल टाइम गृहस्थ यू कैन बी और यू वाँ बी ब्रह्मचारी लाइक वंशीधा प्रभु यू कैन बी ब्रह्मचारी इज मोस्ट कंफर्टबल फार युअर सैकोफिकल नेचर दैट यू कैन डू अंड भक्ति कैन बी डन इन ऑल द थ्री इज क्लियर All the ways and shorts going back to Godhead or no, no, all the three can go back to Godhead. If somebody tells you only Brahmacharis can go back, that means a fanatic. <laughs> huh? Because Bhaktivinoda Thakur was a right? No. He had ten children. You know, he was a pure devotee. Acharya Prabhu was a Grihastha also. It's not anybody who is sincerely, strictly, seriously practicing, they can go back. Hmm? Thank you, sir. Uch. हरे कृष्ण जी एक और प्रश्न था कर नहीं। जी हमने आपको आई सी में आए थे पुणे तो वहाँ पे एक प्रश्न किया था तो आपने बोला था कि हम उसका उत्तर भेजेंगे मिल करेंगे करके अभी कहा नहीं तो जस्ट उसी के उसमें वहाँ तो पर जो एक पॉइंट उठा था कि गुरु नहीं है प्रथम एक दीक्षा एक गुरु से हुआ दीक्षा दू, दूसरे गुरु हुआ गुरु द्वितीय दीक्षा दूसरे गुरु से हुआ प्रथम दीक्षा एक गुरु से हुआ हाँ करेक्टर तो में यदि कोई वर्षअप करने जाते हैं तो हाँ ये प्रश्न पूछा था एक भक्त ने पूछा था कि कुछ कुछ लोग पहली दीक्षा एक गुरु से लिया है और गुरु का वैकुंठवास हो गया दूसरी दीक्षा दूसरे गुरु से लिए है अल्ट्र में किसका लगाना चाहिए करेक्ट है ये प्रश्न पूछा था ये प्रश्न हमें इनसे पूछना चाहिए हमारे जो डाइटी मिनिस्ट्री जो नरसिम्हा कवच प्रभु उनका कुछ पॉलिसी होगा उनका हुँ? उनसे पूछना चाहिए हुँ? मेरे समझावट में पहले गुरु का ही रखते हैं आप पहले जिनसे दीक्षा लिया आपने आ, वो उन्होंने कनेक्ट किया आपको उनका ही रहता है हा? फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं नरसिम कवच प्रभु यू राइट एम इट विल वेरी क्लियर ठीक है प्रभु तो देखे देखे। so, then how can we call जो परंपरा ऐसा नहीं है देखिये गौड़िया में पहले जो नाम देने वाला गुरु होता है वो दो माला देता है आपको हा? और उनका असली दीक्षा का मतलब है ब्राह्मण दीक्षा गौड़िया वट में दीक्षा मीन्स ब्राह्मण दीक्षा दूसरा दीक्षा नहीं है उनके पास पहला दीक्षा दूसरे से नहीं है लेकिन हमारे सिस्टम में पहला दीक्षा के लिए भी बहुत कुछ शर्क है शर्त है आपको सोलह माला करना है चार नियम पालन करना है बहुत सालों से अभ्यास होना चाहिए और आपका संबंध गुरु के साथ एकदम मजबूत हो जाता है हा? उसके बाद आपका पहला दीक्षा मिलता है आपको इसलिए हमारी पहली दीक्षा उनकी दूसरी दीक्षा के बराबर है समझ समझना आपने इसलिए वो हमें पहली दीक्षा को सस्ता नहीं लेना चाहिए दैट इज ऑट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिर भी आप पूछ लेना उनसे अच्छा कॉल स्ट्रोल से ठीक है चार शिव पार की